हेलो बच्चों, आज जो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को समझने की कोशिश किए थे, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़े थे हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका होगा, हम लोग सबसे पहला प्रूफ करेंगे दोस्तों। अगर मान लो कोई रिजल्टेंट वैक्टर है, वैक्टर ए और बी का रिजल्टेंट वैक्टर आर है, ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो फॉर्मूला था आपका, जो हम पिछले क्लास में इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी किए थे, ठीक है, तो इस क्लास में लोग प्रूफ करेंगे कि आर स्क्वायर टू होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो है दोस्तों वो ए और बी के बीच का एंगल है। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। और देखो, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है, और अल्फा का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए थे लास्ट क्लास में, टेन अल्फा बराबर क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दोनों को मैं आज की क्लास में जो है उसको मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केस का डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, वेक्टर एडिशंस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा आपका आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को घटाते कैसे। देखो, जोड़ना सीख लिए, घटाना भी सीख लेंगे। अगर आप जोड़ना सीख गए हो, दो वैक्टर को ऐड करना एडिशन करना सीख चुके हैं, तो आप दो वैक्टर को सब्सट्रैक्ट भी करना सीख जाओगे, और वो तो और ज़्यादा ईजी होता है, वो और भी ज़्यादा ईजी है। उसके बाद लोग पढ़ेंगे यूनिट वैक्टर, ठीक है। आपको हम पहले यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताया था, हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं। कोई वेक्टर सपोज करो किसी प्लेन से या किसी एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो उसको हम लोग कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, हम लोग इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस लेक्चर। तो हम लोग का आज का जो लेक्चर होगा, लेक्चर में हम लोग बस यही सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अब जो हम लोग करने वाले हैं प्रूफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। प्रूफ क्या है, समझिए ये चीज़ क्या है, आपको आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। देखो, मान लो कि r जो रिजल्टेंट वेक्टर है, r बराबर आपको दिया हुआ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, r वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। जब इस तरह के फॉर्म में लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि a और b का जो रिजल्टेंट है वो r है। क्या है? वो r है। आपको इस फॉर्म में देने का मतलब यही होता है, a और b का रिजल्टेंट क्या है, r है, आपको समझ लेना है, ठीक है। अगर r वेक्टर बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, देन आपको प्रूफ करना है कि r मैग्नीट्यूड ऑफ r। अगर सिंपली r लिखा हो ऊपर, वेक्टर का सिंपल नहीं, इसका क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ r। सपोज करो कहीं पे a लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, अगर a पर ये एरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिंपली हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। एरो नहीं है तो सिंपल मैग्नीट्यूड का बात है। अगर वेक्टर लिखोगे, वेक्टर तो इस तरह से लिखेंगे a वेक्टर, या सिंपली अगर a लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड और हम लोग वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो आपको बोला कि आपको प्रूफ करना है r बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ r बराबर क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा। ये प्रूफ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी है, पाँच मिनट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको टेन अल्फा, यहाँ पे जो अल्फा है वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल सपोज करो अल्फा है, तो टेन अल्फा बराबर को प्रूफ करना है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सिंपल सिंपल चीज़ है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इसमें एकदम तुरंत हो जाएगा। देखो, मैं अच्छे से मतलब फिगर बना करके प्रूफ कर देता हूँ, सुनिएगा। देखो, इधर मैं इधर फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। आप देखो, यहाँ पर जो है आपको क्या दे रखा है, एक वेक्टर ए दे रखा है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी, छोटा बना लो थोड़ा सा, दूसरा क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। और इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, थीटा इसके बीच का एंगल है। अब देखो, हम लोग क्या पैरेललोग्राम लॉ से क्या पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ से क्या पढ़े थे, जब आप इस दोनों साइड को एडजेसेंट मानते हुए, इस दोनों साइड को एडजेसेंट मानते हुए आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो प्राइमरी डायगोनल होता है, कौन सा डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, वही रिजल्टेंट फैक्टर होता है, वही क्या होता है, रिजल्टेंट फैक्टर होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। आपको ये इसका इसी इसका जो मैग्नीट्यूड है, यही इसको प्रूफ करना है आपको, आर बराबर दिस, आर बराबर दिस। अच्छा, देखो, हम लोग प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड से चलेंगे, किसे चलेंगे, मैग्नीट्यूड से। देखो, जैसे इसका लेंथ लोगे तो मतलब ए लिखोगे आप, अगर लेंथ का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए नहीं, सिंपल ए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। अगर हम लोग इस अगर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना आपको, तो क्या बात करें, लेंथ ऑफ डायगोनल का बात होगा, किसका बात होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो हम लोग को यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर वेक्टर बराबर समथिंग लाना है, मतलब हमको लेंथ ऑफ डायगोनल ही तो लाना है ना, क्या प्रूफ करना, लेंथ ऑफ डायगोनल। और आप जानते हैं कि ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या होता है, रिजल्टेंट फैक्टर होता है। आप किस लॉ से ये पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ से आप इस बात को पढ़ चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा भी है ना, तो ये अल्फा किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो, मैग्नीट्यूड पे हम लोग खेल करेंगे तो
तो प्रूफ करने में हम लोग लेंथ लेंगे, क्या लेंगे लेंथ, वेक्टर ए नहीं लिखेंगे यार, ठीक है, क्या लेंगे लेंथ, लेंथ इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ गेम करना है, किसके साथ गेम करना, मैग्नीट्यूड के साथ, इसलिए हम लोग सिंपल क्या लेंगे लेंथ। अच्छा देखो बी वेक्टर, ये अगर बी वेक्टर है, ये अगर बी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर बी है, तो देखो पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड्स क्या होता है, सेम, तो ये बी होगा तो ये भी क्या होगा बी होगा कि नहीं होगा, छोटा सा थोड़ा सा लिख लो क्योंकि बहुत सारी चीज़ लिखना पड़ेगा आपको, ये भी क्या हो जाएगा आपका बी, अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए, ठीक है। वेक्टर की लेंथ ही सिर्फ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ लेंथ, वेक्टर नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल लेंथ से ही अपना काम हो जाएगा, तो लेंथ का बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको अगर आगे तुम एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो ये बी है, देखो ये इसके पैरेलल है ना, ठीक है, तो ये अगर पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा थीटा होगा कि नहीं होगा, और ये कितना आपका बी, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो आप देखोगे ये जो आपका एच हो गया और ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पी और ये पी, तो आप यहाँ से देखोगे इसका अगर लेंथ निकालोगे आप, क्या निकालोगे लेंथ, जैसे आप यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल में बता देता हूँ, ये इस तरह का कुछ ट्रायंगल है ना, ये थीटा है ना, और ये क्या है बी है, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल में आप मान लो ये एक्स ले लो और ये वाई ले लो, आपको ये दोनों अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो ना, बहुत ईजी काम है। कैसे निकालोगे आप, साइन थीटा लिखो पहले, क्या लिखो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखो साइन थीटा बराबर होता है एक्स अपॉन पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो देखो थीटा ये है तो पी कौन होगा ये और एच कौन होगा ये, कितना हो जाएगा बता देना, एक्स अपॉन एच, तो यहाँ से आपका एक्स कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन एच का वैल्यू बी है यहाँ पे ना, एच का वैल्यू क्या बी, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा बी साइन थीटा, ट्रायंगल में आपको ये याद रखना है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये याद रखना है, और वाई भी निकाल सकते हो, वाई निकालने के लिए आपको कॉस थीटा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताना, बी बटे एच, तो बी क्या है वाई और एच क्या है बी, तो वाई अपॉन बी, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, वाई बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको क्या दे रखा है एच गिवन है, एच क्या गिवन है, तो आपको याद रखना है थीटा के सामने वाला कितना हो जाएगा एक्स है, थीटा के सामने वाला तो एक्स क्या बी साइन थीटा, तो डायरेक्ट आप याद रखिए थीटा के सामने वाला क्या होगा बी साइन थीटा, ठीक है, और थीटा के साथ जो आपका साइड्स है वो कितना होगा आपका बी कॉस थीटा, आपको डायरेक्ट याद रखना है इस बात को, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा इस चीज़ को, ठीक है, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ और समझा दिया हूँ दोस्त, तो यहाँ से बता सकते हो ये बी है आपका और ये थीटा है, तो ये क्या होगा बी कॉस थीटा और ये क्या होगा बी साइन थीटा, ठीक है, मैं आपको समझा दिया हूँ नीचे में, आप बाद में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। देखो तो ये आपका कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा है ना, और ये वाला कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। अच्छा थोड़ा सा हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, जैसे मान लो इसको पी ले लो, ठीक है, इसको क्यू ले लो, इसको आर ले लो, इसको एस ले लो और इसको टी ले लो, ठीक है। हमको क्या करना है दोस्तों, हमको आर बराबर ये प्रूफ करना है ना, आर बराबर ये प्रूफ करना, आर क्या है डायगोनल पैरेललोग्राम ही है ना यार, डायगोनल पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही तो आपको लाना है ना, मैग्नीट्यूड लाना है, तो इसका अगर आप डायगोनल फाइंड आउट कर लोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा ना, ये आर तो डायगोनल ही तो है, और डायगोनल यहाँ से आप सिंपल ज्योमेट्री से डायगोनल निकाल लो, आप 9-10 में ज्योमेट्री पढ़े हो यार, उतना नॉर्मल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ज्योमेट्री थोड़ा बहुत आता है। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे इन ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस ट्रायंगल में देखो पी आर एस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, है या नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है या नहीं होता है। देखो ये आपका इस ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, इस ट्रायंगल में, तो ये एच हो गया, एक पी होगा एक बी होगा, तो आप यहाँ से बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो पी एस का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर एच का स्क्वायर बराबर क्या होगा पी का स्क्वायर, तो पी क्या है इसमें आपका कोई भी एक पी ले लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, आर एस का स्क्वायर, सिंपल। अच्छा देखो आप यहाँ से अच्छे से देखोगे तो पी एस का स्क्वायर बराबर, देखो पी आर को आप कैसे लिख सकते हो, पी आर को क्या आप ऐसे लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर, देखो पी आर आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो, बट आप पी आर को क्या लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर, वही लिख दिए पी क्यू प्लस क्यू आर पर होल स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर,
प्लस आर एस स्क्वायर। अब सबका वैल्यू यहाँ से पुट करो, सबका वैल्यू क्या करो यहाँ से पुट करो। देखो पी एस का स्क्वायर क्या है आपका, पी एस का स्क्वायर क्या है आर, तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अब देखो पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू, ठीक है पी क्यू मतलब ए है ना। देखो यहाँ पे वैक्टर ए लिखा हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैक्टर से दिखा रहे थे, बट यहाँ पे सिर्फ लेंथ का बात हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल ए लिखेंगे। पी क्यू क्या है ए है, अरे लेंथ, पी क्यू मतलब लेंथ हुआ ना, तो लेंथ क्या है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी क्यू, पी क्यू क्या है आपका ए प्लस क्यू आर क्या है, क्यू आर ये है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा पर होल स्क्वायर प्लस, ठीक है आर एस क्या है आर एस बी साइन थीटा, बी साइन थीटा पर स्क्वायर। अब इसको तोड़ो, अब इसको तोड़ो, तोड़ोगे तो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अरे ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर को तोड़ रहे हैं हम लोग, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस टू इंटू दिस इंटू दिस, ये होता है ना प्लस टू इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा है ना प्लस, इसको स्क्वायर को अंदर घुसा दो तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका क्या बचा इसमें, आपका इसमें बचा ए स्क्वायर प्लस, अब देखो बी यहाँ पर बी है और यहाँ पे बी है, ठीक है बी स्क्वायर दोनों जगह, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है प्लस टू ए बी कॉस थीटा, बचा ही नहीं बचा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, इसका वैल्यू क्या हो गया वन, इसका वैल्यू क्या हो गया वन, तो आपके पास क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वन हो गया, तो बी स्क्वायर इंटू वन तो बी स्क्वायर लिख सकते हो प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, तो अपना आर स्क्वायर बराबर हो गया ये, ठीक है तो आर बराबर क्या हो गया बता देना, आर बराबर हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, अरे स्क्वायर था उधर फेंके तो रूट में गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है ये प्रूफ हो गया आपका। देखो मैं सिर्फ लेंथ लेंथ के साथ खेल किया है, क्योंकि वो लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड ही तो निकालना था ना, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तो लेंथ के लिए सिर्फ लेंथ के साथ खेल कूद किया हम लोग, ठीक है। अच्छा अब दूसरा आपको क्या बताना है कि टेन अल्फा ही बताना है, ये प्रूफ करना आपको, अल्फा क्या है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो टेन अल्फा भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है आपका। देखो इस ट्रायंगल में देखो पी आर एस इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी आर एस, तो कौन सा ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो आपका टेन अल्फा, अरे यार ये ट्रायंगल है ठीक है, तो ये एंगल बराबर क्या होगा पी अपॉन बी, पी ये है आपका और बी ये है ना, तो पी अपॉन बी, और पी क्या है आपका आर एस, पी क्या है आर एस अपॉन बी क्या है आपका पी आर, बी क्या है पी आर, और पी आर को आप ऐसे लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर लिख लो पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। अब देखो आर एस को क्या लिख सकते हो, अब बी साइन थीटा, क्या लिख सकते हो बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू क्या लिख सकते हो ए, पी क्यू ए है आपका और क्यू आर क्या है बी कॉस थीटा, तो क्यू आर क्या है बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो देखो क्या हो गया आपका टेन अल्फा बराबर हो गया आपका कितना हो गया बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा बराबर आप ऐसे लिख सकते हो, इस टेन को इधर भेज दोगे तो उसको हम लोग टेन इनवर्स में लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं टेन इनवर्स में, लिखने का तरीका ये होता है टेन इनवर्स ठीक है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है इसको इन्वर्स में भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। देख लो याद रखना अगर कहीं भी इस तरह से होता है साइन थीटा बराबर सपोज करो एक्स है तो आप थीटा को क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है। कहीं मान लो कॉस थीटा बराबर मान लो कि आपका वन बाय रूट थ्री है तो आप उसको इसका वैल्यू नहीं जानते हो तो आप थीटा को इस तरीके से लिख सकते हो, थीटा बराबर क्या लिख सकते हो कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री, इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा ठीक है। तो आपको बस ये मैथमेटिक्स चीज़ है, आपको इस तरीके से कहीं पर लिखा अगर मिलेगा तो ये मैं सोचा सर ये तो नया चीज़ है, बिल्कुल नया नहीं है भाई, वही चीज़ है आपको सिंपल मतलब लिखने का पैटर्न ये होता है, आपको बस ये याद रखना कहीं पर इस तरह से लिखा होगा तो घबरा मत जाना ठीक है।
ये देखो मैं प्रूफ कर दिया बस, बट आपको याद रखना है अल्फा जो है वो किसके बीच का एंगल है, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अगर आपको आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो तो ए की जगह बी पुट कर दो, बी की जगह पे ए पुट कर दो, क्या करना है, ए की जगह बी पुट करना, बी की जगह पे। मान लो अल्फा अगर एंगल एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर होता तो यहाँ पे बी की जगह पे ए पुट कर दो, ए की जगह बी पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग है ना कुछ स्पेशल केस का बात कर लेते, किसका बात कर लेते, स्पेशल केस का। देखो स्पेशल केस इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपका याद होगा अगर आर वेक्टर बराबर अगर है आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ए और बी के बीच का एंगल सपोज करो थीटा है, क्या थीटा है, तो आप क्या जानते हो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब मैग्नीट्यूड ऑफ आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जो हम लोगों ने जस्ट प्रूफ किए, जस्ट हम लोग प्रूफ किए। और अगर मान लो आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा बराबर क्या था आपका, या फिर सिंपली अल्फा बराबर क्या था आपका, टेन इनवर्स बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा देखो आपको मैं इस तरह से क्यों आपको दिखा रहा हूँ, देखो कोई भी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या एक तरह का वेक्टर होता है, आर वेक्टर भी एक तरह का वेक्टर है, तो किसी वेक्टर को बताने का तरीका क्या होता है, आप उसका मैग्नीट्यूड बताओ, क्या बताओ मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, एंगल बताते हैं, क्या बताते हैं, एंगल। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताएं आर वेक्टर का और एंगल बता दिए कि ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि वो वेक्टर किधर होगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स का मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी आपको क्वेश्चंस में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी मान लो किसी किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड है यार, ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी वेक्टर को बोलने के लिए आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ता है, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम लोग एंगल वैंगल से बता देते हैं हम लोग, ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आपका होता है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड, उससे लोग बता देते हैं, ठीक है। अब चलो ये होता आपका, हम लोग इसमें कुछ स्पेशल केस का बात कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं, स्पेशल केस, ठीक है। अगर सपोज करो इस दोनों के बीच का जो एंगल ए और बी के बीच का एंगल सपोज करो थीटा है, क्या थीटा है, अगर सब अगर बताइए स्पेशल केस वन में लेते हैं हम लोग, अगर थीटा बराबर सपोज करो आपका 0 डिग्री है, कितना डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा ना, वेक्टर ए बी सी डायरेक्शन में, वेक्टर बी बी सी डायरेक्शन में, 0 डिग्री का मतलब यही होगा। तो इस तरह के वेक्टर को जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है उसको बोलते हैं हम लोग लाइक वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, लाइक वेक्टर। अगर दो लाइक वेक्टर हो, कैसा वेक्टर हो, लाइक वेक्टर हो, तो उसमें रिजल्टेंट क्या होता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो आर बराबर क्या होता है आपका, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखो यहाँ पे लाइक वेक्टर ले रहे हैं हम लोग, तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 पुट करेंगे ना यहाँ पे, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू 1 मतलब 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका, रूट ओवर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ठीक है। आर बराबर ही होगा ना, देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या हो गया आपका, वेक्टर सॉरी रिजल्टेंट बराबर रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट, ठीक है, बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी। तो आपको क्या याद रखना है, दो अगर लाइक वेक्टर है, मतलब लाइक वेक्टर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ए और बी को डायरेक्ट सम, उसके दो मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट सम कर दो, रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक बच्चा है जो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एक दूसरा बच्चा वो भी इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो हम पूछेंगे कि टोटल फोर्स कितना है, तो आप बोल दोगे 20 न्यूटन, और वो सही भी है। जब भी दो लाइक वेक्टर हो, लाइक वेक्टर का मतलब सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर हो, मतलब थीटा क्या हो, बीच का एंगल थीटा क्या हो, 0 हो, तो हम लोग मैग्नीट्यूड जो बोलते हैं डायरेक्ट उस दोनों वेक्टर, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, उस दोनों वेक्टर डायरेक्ट सम कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अगर थीटा एंगल रहा बीच, मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला तो ये है भाई, फॉर्मूला में डाल के निकाल लो, हम स्पेशल केस करें जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा स्पेशल केस टू में आ जाओ, आप स्पेशल केस टू में आ जाओ, ये अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, क्या हुआ, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर ए इस तरीके का होगा और बी इस तरीके का होगा, समझ रहे, ठीक है। तो इसके बीच में अगर 90 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बता देना, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos जी cos 90। आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है, बोलो 0, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया ना, तो बचा क्या अंदर में,
अंदर में बचा आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखिए जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है, क्या होता है 90 होता है, तो डायरेक्ट आपको करना क्या है, उसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आर बराबर होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम माइंड में घुसा लो इस बात को, माइंड में घुसा लीजिए इस बात को। अगर दो वेक्टर के बीच का 90 डिग्री है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या होता है, रूट ओवर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर, दिस। ठीक है, अच्छा स्पेशल केस थ्री का बात कर लेते हैं हम लोग। केस थ्री में आपका क्या है, थीटा बराबर सपोज करो अगर 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री मतलब क्या हो, 180 डिग्री मतलब क्या, एक वेक्टर ऐसे है ना और दूसरा वेक्टर ऐसे है, इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। कैसा वेक्टर बोलेंगे इसको, अनलाइक वेक्टर। जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे उसमें सब लाइक अनलाइक वेक्टर का हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, ये क्या हो गया अनलाइक वेक्टर। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है इसमें 180 डिग्री, 180 डिग्री, और आप जानते हैं cos 180 का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस वन, हुआ नहीं हुआ। अब देखो तो यहाँ अंदर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस वन मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर इसका वैल्यू पुट करोगे मल्टीप्लाई करो तो माइनस यहाँ पर जाएगा। तो आप बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, आर वेक्टर को, सॉरी आर बराबर क्या लिख सकते हो, रूट ओवर ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा आपका, तो आर बराबर क्या हो गया आपका ए माइनस बी। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर दो अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर मतलब क्या है, एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे, ठीक है, मतलब बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लो, मैग्नीट्यूड का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, वही क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और याद रखना हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना, क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बोल रहे हो ना आप, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, आप सोचोगे ना सिर्फ b माइनस a करना है कि a माइनस b करना, तो हमेशा क्या मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना, यहाँ पर हम a माइनस b लिख दिए, कभी कभी हो सकता है b माइनस, अगर b बड़ा हो गया तो b माइनस a करना होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्त, पॉजिटिव होगा, तो हमेशा पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना, क्योंकि दो का डिफरेंस करोगे तो नेगेटिव भी तो आ सकता है, बट आपको क्या लेना पॉजिटिव, मान लो माइनस टू आ गया तो आपको क्या लेना आंसर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक सिंपल सा बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं, देखो दोस्तों, अच्छा पहले खुश पहले देख लो इसको, अगर थीटा वैल्यू 0 हो गया तो रिजल्टेंट कितना होगा ए प्लस बी, अगर थीटा वैल्यू 180 हो गया तो रिजल्टेंट कितना होगा ए माइनस बी। ठीक है, अगर थीटा वैल्यू 90 हो गया तो क्या हो गया आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर थीटा वैल्यू कुछ भी है एनीथिंग मतलब 0 से 180 के बीच में कुछ भी होगा, तो ठीक कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैं तीन के लिए ऐसे फॉर्मूला निकाल दिया, एक एक ये दूसरा ये और तीसरा ये, तीन एंगल के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, वैसे इसको रट लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं भी रटोगे तो आपको समझ में आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, तो कोई भी एंगल होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, अगर 0 डिग्री होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 180 होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 90 होगा तो ये वाला लगा लेना। ठीक है, ये उत्तर वाला फॉर्मूला पुट करने की जरूरत क्या है यार, आपको थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा आप, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सोचने मतलब घबराना नहीं आप लोग को। क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है कि आर वेक्टर बराबर आपको दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी ए और बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है वो आर वेक्टर है। ठीक है, और आपको ये दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या सिंपल ए भी लिख सकते थे, इतना ना लिख के सिंपल ए भी लिख, तो वही मतलब होता है उसका, बराबर को 3 दे रखा है, और आपको जो दे रखा है वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो आपको दे रखा है 7। ठीक है, कितना दे रखा है 7। आपसे पूछा वैल्यू ऑफ आर, आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मे बी ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपको, आपको ले लो 11 ले लो, यूनिट उतना मत लिखो, बी ले लो आपको 21 यूनिट, ठीक है, सी ले लो आप 3 यूनिट, यूनिट मत लिखो क्योंकि एक मैंने लिखा हो, 3 ले लो, डी में ले लो 7। ठीक है,
ई में ले लो आप टू, ठीक है, और आप ले लो ई हो गया, एफ में ले लो आप ऑप्शन एट, क्या ले लो एट, ठीक है। इसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन हो, एक से अधिक ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें, एक से अधिक ऑप्शन भी करेक्ट है। तो पहले आप लोग स्क्रीन पॉज करना, पहले खुद से ट्राई करना, क्या करना, पहले खुद से ट्राई करना उसके बाद देखना। चलो अब देखो, आपको दे रखा है वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 3 दे रखा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर कितना दे रखा है 7, ठीक है। तो आपको बोला कि आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। देखो एंगल का तो बात कुछ नहीं किया है ना, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है। अपने पास फॉर्मूला यही था ना यार, यहाँ पे कॉस थीटा होता था ना, अपने पास फॉर्मूला यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा है या नहीं है। तो देखो थीटा वैल्यू जब जीरो होता है तो कितना होता है, ए प्लस बी, मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर इस तरह, ए वेक्टर इस तरह इसी तरफ है, दूसरा बी वेक्टर भी इसी तरफ है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए प्लस बी। अगर ये दोनों अपोजिट में हो जाता है, किस में हो जाता है, अपोजिट में हो जाता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट में जाता है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो आपको इसमें क्या चीज़ याद रखना है, याद ये रखना है आपको कि दो कोई भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी कोई भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में ही लाई करेगा। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, ए माइनस बी, मैक्सिमम क्या हो सकता है, ए प्लस बी। मतलब यहाँ पे देखो आपके पास फॉर्मूला क्या था, आर बराबर क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ना, टू ए बी कॉस थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ए प्लस बी, अरे आर बराबर ही है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए प्लस बी। अरे इसमें थीटा ही वैल्यू तो करेगा ना, आप थीटा का अलग अलग वैल्यू रख करके पुट करोगे तो अलग अलग क्या आएगा, आर का वैल्यू आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो देखो आप थीटा का वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मतलब आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा आपका, ए माइनस बी। ए प्लस बी कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू जीरो लोगे, और ए माइनस बी कब लोगे, जब थीटा का वैल्यू, ए माइनस बी कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमेशा क्या होगा, जो आर का जो वैल्यू होगा इसी दोनों के बीच में होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा दिस और मिनिमम वैल्यू ये, और हमेशा आर का वैल्यू इसी दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, किस पर आते हैं, क्वेश्चन पे। आर बराबर यह दे रखा है, ए और बी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू दे रखा है, आपको बोला आर क्या होगा, आर क्या हो सकता है, मे बी लिखा हुआ है, तो थीटा नहीं ना दिया आपको, तो मान लो थीटा कुछ भी हो सकता है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए क्या होगा, आर का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसमें से पहले ये देखो कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है, आर का कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है। आप एक बात तो क्लियर हो गया ना कि देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका, ए प्लस बी, और इसका आर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, ए माइनस बी। तो कोई भी चीज़ का वैल्यू, कोई भी चीज़ का जो वैल्यू जो होता है हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही तो लाई करता है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो ना कि रिजल्टेंट, इस पॉइंट को लिख लेना ठीक है, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच में लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा। इसके अलावा क्या कोई और वैल्यू रिजल्टेंट का हो सकता है, नहीं। अरे डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में ही आर का वैल्यू होता है। मतलब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में देखो ए माइनस बी कितना आ रहा है, 4, ए माइनस बी कितना आ रहा है आपका, 4 ना, हाँ 7 माइनस 3 4, और ए प्लस बी कितना आ रहा है आपका, ए प्लस बी कितना आ रहा है, देखो वैसे ए प्लस बी आपका आ रहा है, आपका आ रहा है ए प्लस बी 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, रिजल्टेंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 4 से 10 के बीच में, मतलब आर का वैल्यू लाई करेगा 4 से 10 के बीच में। आर का वैल्यू 4 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। आर का वैल्यू 10 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, मतलब ए प्लस बी कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। तो आर का वैल्यू इसी बीच में तो लाई करेगा ना, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगा। तो बताओ तो इसमें से आंसर कौन होगा, क्या 11 हो सकता है, नहीं, 11 क्या है, 4 और 10 के बीच में जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा ना, 11 नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्या बी हो सकता है, नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, 4 और 10 के बीच में नहीं है भाई, तो ये भी नहीं होगा। सी होगा क्या, सी भी 4 और 10 के बीच में नहीं होगा ये भी ऑप्शन। क्या डी होगा, 4 और 10 के बीच में है डी, हाँ है, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। क्या ई का वैल्यू 2 हो सकता है, क्या मतलब रिजल्टेंट 2 हो सकता है, 2 4 और 10 के बीच में नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा क्या 8 हो सकता है, क्या 8 4 10 के बीच में, हाँ है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है।
ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाया मैं, हमेशा किसी भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, हमेशा उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगा। मिनिमम वैल्यू किसी भी दो किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, ए माइनस बी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी। तो हमेशा याद रखिएगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में होता है। क्या होता है, बीच में। आई होप ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, नहीं समझो तो मुझे मतलब मैसेज करके पूछिए, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, करता हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन करता हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप पहले स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन आपको दे रखा है आर वैक्टर बराबर दे रखा है वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, ठीक है। ये इस तरीके से भी दे सकता है आपको, सी वैक्टर बराबर इस तरीके से दे सकता है आपका ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। देखो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ना देखिए, अगर ये लिख दिया इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, सी है, ठीक है। नहीं समझे आप, इसका मतलब क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, सी है। हम लोग ये लिखते हैं ना जनरली आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मतलब क्या होता है, ये और इसका रिजल्टेंट ये है। अगर भी इस तरह से लिखा हो सी वेक्टर बराबर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, सी, क्या सी। तो इस तरीके से आपको दे रखा है, चलो मैं आर ही लेके बना दे रहा हूँ, ठीक है। आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको दे रखा है कुछ भी ले लो, फाइव ले लो, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है आपको सिक्स, फाइव ही ले लो इसको भी, क्या ले लो फाइव, ठीक है। और रिजल्टेंट आपको दे रखा है, रिजल्टेंट नहीं, और थीटा दे रखा है 90 डिग्री, कितना दे रखा है 90 डिग्री। आपसे पूछा कि रिजल्टेंट निकालो एंड अल्फा बताओ, क्या बताओ, अल्फा, समझ गया अल्फा क्या है, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल। सॉल्यूशन सिंपल, स्क्रीन पॉज करो पहले खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। नहीं हुआ तो इधर देखो, आर बराबर क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब तुरंत आपको मैं बताया, क्या बताया तुरंत मैं आपको, कि जैसे थीटा 90 होता है तो ये वाला टर्म खत्म कर लो ना डायरेक्ट, आपको जो फॉर्मूला वो जो याद है उसमें पुट कर लो ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसमें पुट करके निकालना, फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर लो। और थीटा 90 स्पेशल केस वाला यही आया था ना, आर का वैल्यू, तो आर कितना हो जाएगा आपका, फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, इसको सॉल्व वॉल्व करोगे कितना आएगा, फाइव रूट टू, सिंपल फाइव रूट टू। अब देखो दूसरा क्या आपका अल्फा निकालना है, तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है आपका, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, होता है या नहीं होता है। तो बी बी का वैल्यू कितना, फाइव, साइन थीटा का वैल्यू कितना 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो फाइव प्लस फाइव कॉस 90। अब जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू वन, तो सब वैल्यू पुट कर दो, फाइव इंटू वन कितना हो जाएगा, फाइव, तो कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन फाइव प्लस जीरो मतलब फाइव मतलब वन, तो टेन अल्फा अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, टेन अल्फा बराबर हो गया आपका वन, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया आपका, यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो गया आपका 45 डिग्री। अच्छा वन मोर थिंग, सपोज इस क्वेश्चन में खैर आ गया, अगर कहीं पर आ जाता टेन अल्फा बराबर, अगर सपोज करो कहीं पर आ जाता थ्री, कितना जाता है थ्री आ जाता, तो आप तो घबरा जाते यार, हर वैल्यू तुम याद नहीं कर सकते हो, हर वैल्यू आप याद नहीं कर सकते। तो सिंपल आप या तो यहाँ पर आंसर छोड़ दो, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बराबर होगा टेन इनवर्स थ्री, सिंपल। ये दोनों यहाँ पे आंसर छोड़ दो, यहाँ पे आंसर छोड़ दो, समझ, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो फास्ट। अच्छा देखो अगला जो हम लोग का करना है, ये क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है, सिंपल ही है, थोड़ा सा मतलब देखो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अच्छा क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, बस आपको सोचने का थोड़ा सा ना मतलब चीज़ को समझना पड़ेगा कि चीज़ को समझते कैसे, क्योंकि वेक्टर में जो आपको मेनली जो प्रॉब्लम होता है ना, वो सिग्निफिकेंस नहीं कर पाते आप, इस सेंटेंस का क्या सिग्निफिकेंस है या इसका क्या मतलब है। इसलिए शुरू से क्रिस्टल क्लियर लेकर चलना भाई कंसेप्ट को। और वेक्टर में भाई अथक क्वेश्चन होता है, ठीक है, अथक क्वेश्चन इसलिए होता है कि एक्चुअली मैथमेटिक्स का पार्ट है। आप मैथमेटिक्स क्लास 12th में वेक्टर 3D के नाम से एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे यार, जब आप आगे जाओगे तो वेक्टर कैलकुलस आता है आपका, मतलब वेक्टर अलग से मतलब एक पार्ट है, एक मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है वेक्टर पे। वैसे फिजिक्स में एक चैप्टर में भी आता है, चैप्टर के नाम से आपका वेक्टर पढ़ाया जाता है दोस्तों, बट आपको मैथमेटिक्स में ही पढ़ना है। सिंपल ये क्वेश्चन को देख लो, एडिशन ऑफ वेक्टर पे ही ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, क्या बोला, ए और बी वैक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ए के परपेंडिकुलर है,
एक क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक वेक्टर इस तरीके से है ए, ठीक है, और मान लो दूसरा वेक्टर इस तरीके से है बी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इसके पर ए के परपेंडिकुलर है, ए के क्या है, परपेंडिकुलर, समझ रहे, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अरे इस क्वेश्चन, इस यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस का यही मतलब हुआ ना, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो फिगर तो यही बना ना, ए वैक्टर हुआ बी वैक्टर हुआ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग ए वैक्टर और बी वैक्टर इस तरह से क्यों नहीं बनाए। अरे बच्चे अगर मान ली इस तरीके से बना देते तो इसका रिजल्टेंट इसके ए के परपेंडिकुलर कभी होता ही नहीं भाई, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा इस दोनों के बीच से ही निकलेगा ना। पैरेललोग्राम लो, कौन सा लो, पैरेललोग्राम लो, तो ऑब्वियस ही बात है बी क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा, इस दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल ऑब्ट्यूज होगा, इसलिए मैं ऐसा फिगर नहीं बनाया, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। और क्या दे रखा है देखो, और क्या दे रखा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर, मतलब आर वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, आर वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आपका, या सिंपल आर लिख लो यार, क्योंकि बार बार आर वैक्टर का मॉडुलस लिखना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आर जो है आपको हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब बी बाई टू है, मतलब क्या है, बी बाई टू है, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वैक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वैक्टर, तो ए और बी के बीच का एंगल बताना आपको, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, यही सब चीज़ तो गिवन है ना, है या नहीं। तो आप क्या करो ना, सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री आता कर लोगे आप, वैक्टर बहुत सारा क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री से होता है भाई, और वैक्टर्स प्योर वेक्टर से भी आपका रिलेटिव मोशन पूरा प्योर वेक्टर है, इसलिए वेक्टर आपको आना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस यहाँ पर ना दिखे, बट जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आपको हर चैप्टर में तो वेक्टर का क्वेश्चन आता ही है, तो धीरे धीरे आपको वेक्टर में बहुत अच्छे से रिवाइज, मतलब बहुत अच्छे से आने लगेगा। स्टार्टिंग वेक्टर पे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चे को, क्योंकि पहली बार आप डायरेक्शन के साथ खेल कूद कर रहे हो ना, इसलिए स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बट धीरे धीरे जब फिजिक्स पढ़ोगे तो वेक्टर आपके सामने बहुत बार आएगा, तो आपको वेक्टर के साथ अब डर लगना खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको शुरू से क्या हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो वेक्टर पे। देखो आर वेक्टर बराबर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ आर बराबर क्या, बी बाई टू है, बी बाई टू। तो देखो आपको क्या बताना है, ए और बी के बीच का एंगल बताना है ना, बताना है, तो देखो बताते हैं, कोशिश करते हैं, ट्रायंगल लॉ का यूज़ करो। तो यार देखो वैक्टर ए ऐसे हुआ, ठीक है, और आपका ट्रायंगल लॉ को यूज़ करो, ए वैक्टर ये हुआ, बी वैक्टर यहाँ पर लिखो इस तरीके से, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर हो गया बी, और रिजल्टेंट फैक्टर्स के परपेंडिकुलर है इस तरीके से, समझे मैं किस तरह से कर रहा हूँ, एक सेकंड देख लो, वन सेकंड। देखो ए वेक्टर इस तरीके से आपका है कि नहीं है, और रिजल्टेंट फैक्टर किस तरीके से, इस तरीके से हुँ? तो बी वेक्टर किस तरीके का होगा, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख लो। अरे तभी तो ए और बी का मैग्नीट्यूड आर होगा ना, देखो ट्रायंगल लॉ, एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे ट्रायंगल लॉ याद है, तभी तो क्या होगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। अरे ट्रायंगल लॉ समझ रहे हो ना मैं कैसे लगाया, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ से आप चीज़ को ना थोड़ा सा इजीली समझ लोगे, इसलिए मैं आपको ट्रायंगल लॉ से बता रहा हूँ। क्या इस फिगर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ए को ऐसे लिख कर दिए, बी यहाँ था तो यहाँ पे ऐसे डाल दिए, और आर ऐसे हो गया, ठीक है, क्योंकि आर रिजल्टेंट है तो इसके अपोजिट में होगा। ट्रायंगल लॉ में आपको मैं बताया था एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ, तो इसका टेल और इसके हेड को जोड़ दो तो रिजल्टेंट आ जाएगा, और आपको ये गिवन है रिजल्टेंट है कि परपेंडिकुलर, इसलिए रिजल्टेंट इस तरीके से मैं लिखा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या करो ना कि यहाँ से थीटा निकालो, क्या निकालो, थीटा, क्या निकालो, थीटा। आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो, सोचो कैसे निकालोगे आप, ठीक है, थीटा कैसे निकालोगे, आपको आर और बी के बारे में थोड़ा बहुत पता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, और साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, मतलब लेंथ का बात करेंगे। अरे ट्रायंगल बन गया ना, लेंथ का खाली बात को, लेंथ का बात होगा मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, दिस अपॉन दिस ना, तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन बी होगा कि नहीं होगा, और आर बराबर क्या दे रखा है, बी बाई टू, तो क्या हो जाएगा, बी बाई टू अपॉन आर अपॉन बी, सॉरी, तो क्या हो गया आपका, साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, बी अपॉन टू बी, तो बी भी कैंसिल हो गया ना, तो साइन थीटा बराबर वन बाई टू, तो थीटा वैल्यू कितना हो गया आपका, 30 डिग्री।
थीटा वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये वाला एंगल 30 डिग्री पता चल गया। ये वाला एंगल मतलब कौन सा एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री पता चल गया। अरे पैरेलली तो शिफ्ट किए थे ना, ये एंगल पता चल गया ना 30 डिग्री है, तो ये एंगल मतलब कौन सा एंगल पता चला आपको, ये वाला एंगल। आपको ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है, ये वाला टेल टेल वाला एंगल होता है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अरे 180 माइनस 30 यार, ठीक कितना हो जाएगा 150। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा इज 150 डिग्री। सिंपल, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेक्टर में स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट आ जाएगा आपको, मतलब टफ कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें टफ कुछ भी नहीं है। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कैसे है, देखो आपको दे रखा है कि वेक्टर सी बराबर दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। सी मतलब क्या हुआ, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी बराबर मतलब क्या, ए और बी का रिजल्टेंट सी है, ठीक है। वैसे मैं आर से लिख देता हूँ, बट कहीं पे क्वेश्चन वोशन मिस्टर का होगा तो घबरा मत जाना यार, क्योंकि यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस ही समझ नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज होने लगोगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो सिग्निफिकेंस समझिए ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। और आपको दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है। और आपको ये भी दे रखा है कि इसका रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो आपको 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10 यूनिट आ रहा है, रिजल्टेंट कितना आ रहा है 10 यूनिट। और बीच इस ए और बी के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है आपको दे रखा 90 डिग्री, क्या दे रखा 90 डिग्री। आपसे पूछा फाइंड ए एंड बी, वो क्या निकालना, ए और बी का वैल्यू बताना है, ए और बी का वैल्यू बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद से स्क्रीन पॉज कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, स्क्रीन पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो। चलो अब इधर देखो सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एज टू बी क्या दे रखा है आपको 3:4, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, मान लो इसको एक्स ले लो, बराबर कुछ एक्स ले लेते हैं, कुछ भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3x, और बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4x, होगा या नहीं होगा। तो सबका वैल्यू इसमें पुट करो, मतलब रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला में, आर बराबर क्या होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सबका वैल्यू पुट करो तो कितना आ गया, चलिए लिख कर लो। आर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर ए का वैल्यू 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2 × 3x इंटू 4x है ना इंटू cos 90 का वैल्यू कितना है 0 है, तो सॉरी ये तो ख़त्म ही हो गया ना, तो आपका कितना हो गया 10 स्क्वायर कर लो, तो 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25, 25x² हो गया ना, ठीक है। तो ये आपको देखोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 100 हो गया ना, तो 4 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया x² बराबर 4 ना, वह नहीं होता, x² कितना हो गया 2। तो आपका वैल्यू a² कितना आपका, सॉरी a बराबर कितना आपको, आपका कितना 3x, तो कितना हो गया आपका 6, और b बराबर कितना आपका 4x, x वाले से बूट कर दो कितना हो गया 8, दिस इज आंसर। अगर आपसे इसी क्वेश्चन पूछ लेता कि अल्सो फाइंड अल्फा, समझ रहे ए और किसके बीच का एंगल है, ए और आर के बीच का एंगल, तो अल्फा कितना हो जाएगा बता दीजिए, 10 अल्फा बराबर कितना होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा है ना, बी का वैल्यू कितना है 8 साइन थीटा का वैल्यू 90 है ना, अपॉन ए कितना आपका 6 है, ए 6 है ना, हाँ 6 प्लस बी का वैल्यू 8 cos 90 तो 0 ही, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 1, तो कितना 8 बाय 6 कितना होता 4/3 ना, तो 10 अल्फा बराबर कितना हो गया आपका 4/3, 10 अल्फा बराबर क्या हो गया 4/3। आपको याद रखना है 10 अल्फा और 4/3 होता है तो अल्फा का वैल्यू होता है 53 डिग्री, आपको ये दो वैल्यू याद रखना है। अगर 10 अल्फा बराबर सॉरी 10 37 का वैल्यू होता है आपको 3/4 और 10 53 का वैल्यू होता है आपका 4/3।
आपको ये दोनों वैल्यू याद रखना, ये स्टैंडर्ड है याद रखना। अगर याद नहीं होगा तो यहाँ पे भी आंसर मार सकते हो, चलेगा। 10 inverse 4/3 कर दोगे तो चल जाएगा, वैसे ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसी बार बनाओगे तो बहुत बार आएगा, तो ये याद रख लेना, ठीक है। जो tan 37 पता है तो sin 37 cos 37 का वैल्यू लिख लेना, मतलब यहाँ से निकाल लेना, लिख लेना और याद कर लेना। sin 37 cos 37 और tan 37 याद कर लेना। उसी तरह आपको tan 53 पता है तो sin 53 भी निकलेगा, और क्या निकलेगा, cos 53, उसको निकाल करके याद कर लेना, ठीक है, लिख लो फास्ट। अगला जो लोग पढ़ रहे हैं वो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, ये एडिशन की तरह है, डिट्टो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग एडिशन वेक्टर में क्या लिखते थे, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ना लिखते थे, ये एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है। हमको एडिशन नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना हमको, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन इस तरीके से होगा, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान क्या देना है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो थोड़ा समझिए आप बात को, अगर r बराबर a प्लस बी होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड यही होता था ना, होता था नहीं होता था, अगर a प्लस बी होता है तो, r वेक्टर बराबर अगर a प्लस बी होता है तो मैग्नीट्यूड ये होता था, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और tan अल्फा कितना होता था, tan अल्फा क्या होता था, tan अल्फा होता था आपका, बताना अच्छा, tan अल्फा पे वैसे उतना जाने का जरूरत नहीं है आपको, यही पे से काम हो जाएगा, tan अल्फा भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता था, ठीक है। अब अगर सुनो, अगर ए माइनस बी होगा क्या होगा, ए माइनस बी होगा, सेम फॉर्मेट का ही होता है, एकदम सेम फॉर्मेट होगा, ऐसा ही फॉर्मूला होगा भाई, बस याद रखना यहाँ पे माइनस होता है, मैं प्रूफ करूंगा, घबराना मत, मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है, और यहां पे भी माइनस होगा, ठीक है। अगर आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है तो क्या होगा, यहां पे माइनस, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से जो एंगल बना रहा है वो, इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। ऐसे मॉडल्स आपको पॉजिटिव वैल्यू से काम कर लेना, चलो मॉडल्स हटा दो, मॉडल्स टेंशन मत लीजिए, ये होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको इस चीज़ को लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन किस तरीके का है, आप देखिएगा, एक वेक्टर इस तरीके का है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर किस तरीके का है दोस्तों, इस तरीके का वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, बीच का एंगल थीटा, बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब देखो अगर अगर सपोज कीजिए, अगर अगर आपको आर वेक्टर बराबर क्या होता, अगर आर वेक्टर बराबर आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता तो रिजल्टेंट कौन सा वाला होता, ये वाला हो जाता नहीं रिजल्टेंट आपका, कौन सा वाला होता, ये वाला हो जाता रिजल्टेंट, आर क्या होता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ना, सिंपल। बट यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसके लिए क्या, आप देखो आर बराबर है क्या आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ना, माइनस वेक्टर बी, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, मतलब क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन में क्या हुआ कि रिजल्टेंट जो होता किसका किसका मैग्नीट्यूड होता है, ए का और माइनस बी वेक्टर का। अरे बी माइनस बी भी एक वेक्टर है ना, माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, बी के अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम और बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो माइनस बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि आर वेक्टर जो है वो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, किसका किसका रिजल्टेंट है, आर वेक्टर जो है वो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है दोस्तों। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए इसका मतलब क्या हुआ कि आप माइनस बी वेक्टर पहले ड्रॉ कर लो, माइनस बी वेक्टर इस तरह से इसी तरफ ड्रॉ होगा ना, मैं आपको नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना सिखाया था, ठीक है, तो छोटा कर लो, लेंथ ज़्यादा होंगे, सेम लेंथ है ना, लेंथ सेम लेंगे बस डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो आर वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
समझे, इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब आपके लिए क्या है, ये माइनस बी एज ए वेक्टर ट्रीट करो, नेगेटिव वेक्टर है ये, एज ए वेक्टर ट्रीट करो। इसका इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सेम पैरेललोग्राम लो। क्या तरीका पैरेललोग्राम लो लगाने का, भाई तुम इस दोनों को एडजेसेंट मानते हुए क्या कर लो, आप एक पैरेललोग्राम खींच लो, ठीक है। इसका जो प्राइमरी डायगोनल होगा, मतलब इस दोनों के इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास होता है, वो जो डायगोनल होगा उस डायगोनल का जो सॉरी वो जो डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या देता है, रिजल्टेंट। किसका किसका रिजल्टेंट देगा, आर वेक्टर में किसका रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। या इसको तोड़ के लिखोगे, या आप इसको तोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, या आप इसको ऐसे ले सकते हैं, आर वेक्टर पर क्या होगा, वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अरे यही तो हुआ ना, ए माइनस बी, या सिंपल वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, सिंपल। तो देखो आपको ये हो गया, तो इसका इसका जो रिजल्टेंट होगा वही तो क्या होगा आपका, वही तो आर वेक्टर है ना। अच्छा ठीक है, अब देखो इसका इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी ही है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो रिजल्टेंट तो इसी तरीके से निकालेंगे ना। बट इसमें अब थीटा क्या होगा, देखो ए और बी के बीच का एंगल थीटा था ना, तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, माइनस सॉरी ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180, अरे यार ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो जो आपके पास फॉर्मूला था रिजल्टेंट का वो क्या था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो यहाँ पे a और माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो थीटा के बोले क्या पुट करोगे, 180 माइनस थीटा या थीटा, अरे थीटा a और b के बीच का एंगल है ना। आपको किसके किसका मैग्नीट्यूड निकालना है इसको प्रूफ करने के लिए, a और माइनस बी का ना, इसको ऐसे भी ले सकते हो ना, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो मतलब आपको किसके किसका रिजल्टेंट निकालना है, a और माइनस बी वेक्टर, तो a और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल पुट करो, वो कितना है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या पुट करोगे, 180 माइनस थीटा पुट करो, तो r का वैल्यू कितना हो गया आपका, यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस क्या क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा। तो आर वेक्टर ये आ गया ना आपका, सॉरी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये थीटा कौन सा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। और हम लोग प्रूफ करने के लिए सब यहाँ से हम आपको दिखा दिए, ठीक है। तो सिंपल ए और बी के बीच का एंगल सपोज करो आपको क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो अगर आपको आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया हुआ है तो सिंपल रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे माइनस कर देना आ जाएगा, अल्फा इस तरीके से निकलेगा, यहाँ माइनस कर देना आ जाएगा। यहाँ पे वही तरीके से क्या क्या हो, अगर प्लस होता तो क्या होता, ए प्लस बी कॉस थीटा होता, अगर वहाँ माइनस है, आर वेक्टर बराबर क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो क्या होगा, ए प्लस बी बी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, इसलिए वो माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे, अच्छे से देख लो, थोड़ा सा मे बी डाउट रह रहा होगा बट समझ जाओगे, टफ चीज़ नहीं है, या नहीं कुछ प्रूफ रूफ नहीं आ रहा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा तो वो चीज़ भूल जाइए। जब भी देखो अगर इस तरह का होगा आर वेक्टर बराबर ए माइनस बी वेक्टर इस तरीके का होगा तो रिजल्टेंट ये होता है और अल्फा एंगल इस तरीके से निकलता है, बस ये याद रख लें। अरे ये तो याद रख कर रख सकते हो ना, बस इतना याद रख लो, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। अच्छा सिंपल सिंपल से अगर हम लोग क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन करते हैं, सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे रखा है, आर वेक्टर बराबर ले दे रखा है आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, और आपको दे रखा है ए बराबर कुछ दे रखा है आपको, ए बराबर मान लो 3 है, बी बराबर मान लो आपका 4 है, और आपको दे रखा है आर बराबर है 7, आर बराबर क्या लोगे, कुछ भी ले लो, 2 ले लो, आर बराबर क्या दे रखा है, 2। आपसे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या निकाल सकते हो, सिंपल है, ठीक है। पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब इधर देखो सब, तरीका क्या होगा, आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रूट ओवर सॉल्यूशन देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस 2ab cos थीटा। अब क्या निकालना है, थीटा ही तो निकालना ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा क्या एंगल बिटवीन ए एंड बी है ना, तो ए और बी का वैल्यू पुट कर लो, आर का भी वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 2, तो 2 बराबर कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos थीटा। ये स्क्वायर को, ये रूट स्क्वायर रूट को इधर फेंको तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये,
इधर कितना हो जाएगा, 3 3 9 + 4 4 = 16, 9 + 16 = 25, तो कितना हो जाएगा 25 - 2 3 = 6 6 4 = 24, 24 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे इसको इधर लेते आओ तो ये कितना हो जाएगा -21, अरे 25 इधर जाएगा तो 4 - 25 होगा ना, तो -21 ठीक है -24 cos थीटा। देखो माइनस माइनस एक तो से वो कैंसिल आउट कर दिया ना, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा बराबर हो गया आपका 21/24। तो यही आंसर हो गया आपका, क्या हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं ना, तो इसलिए आपको थीटा वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है उसी में थीटा वैल्यू बताते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 21/24, दिस इज आंसर। अच्छा, और देखो आप लोग एक मैं और आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अब कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आर का, इसका मतलब क्या हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मान लो आर वेक्टर है। ठीक है, तो ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आर का मैग्नीट्यूड, मतलब आर का मॉडुलस, इसका मतलब क्या हुआ, आर का मॉडुलस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिखे हैं, इसका मतलब क्या, आर का ही मॉडुलस है वो, बराबर को दे रखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस, ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, समझ गए इसका। देखो क्योंकि आपको वेक्टर में क्वेश्चन नहीं पढ़ने का बहुत बड़ा रीजन होता है, ये सब समझ ही नहीं पाते हो कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो मतलब समझ में आना चाहिए आपको, ए प्लस बी का वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस, अरे आर, आर रिजल्टेंट। अच्छा, आर को आप किसी से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आर से ही करोगे, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है। अब सब पूछा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना आपको, क्या बताना, एंगल। सॉल्यूशन देखो, पहले स्क्रीन पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बनाता हूँ। चलो अब देखो सॉल्यूशन, देखो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा भाई, बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, होगा कि नहीं होगा, अरे सपोज करो यही तो होता, ये बराबर आर होता तो मॉडुलस ऑफ आर बराबर यही तो होता है ना, तो ये आपको आर ना दे के डायरेक्ट ये दे रखा है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा आपको क्या दे रखा है, आपको ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये क्या होगा बताना, फॉर्मूला बता दो, आपको फॉर्मूला में पढ़ाया हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, होगा या नहीं होगा, सिंपल आपको दे रखा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों सेम कर लो, ये दोनों को सेम करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट। ठीक है, ये रूट कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल, तो देखोगे यहाँ पे तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, माइनस 2ab cos थीटा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2ab cos थीटा बराबर कितना हो गया, माइनस 2ab cos थीटा। अब देखो सब इसको भी इधर लेते हो, इसको भी इधर लेते हो, तो क्या हो जाएगा, 4ab cos थीटा बराबर कितना हो गया आपका, इसको इधर लेते हैं तो इधर जीरो बचा ना। ठीक है, ये 4ab कॉन्स्टेंट इसको इधर फेंक दो उठा के, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया आपका जीरो, तो थीटा बराबर कितना हो गया आपका 90 डिग्री, दिस इज आंसर। थीटा का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री। बहुत सारे बच्चे सोच रहे सर यार कॉस्टर कट क्यों नहीं कर दिए, अरे बेटा कट कर दोगे तो फिर निकालोगे किसको यार, इसलिए हम लोग कट नहीं किए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कॉस्टर कट हो रहा, कट कर दो सर, तो फिर तुम निकालोगे क्या, कट नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है,
और अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, एंड थैंक यू। और देखो वेक्टर में थोड़ा सा स्टार्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है बच्चे को यार, डायरेक्शन वैक्शन में बच्चे थोड़ा खोने लगते हैं यार, आप लोगों को बिल्कुल खोना नहीं है, समझ में आएगा यार, मेरे साथ ट्यून रहो 100% समझ में आएगा, ठीक है। और जो भी डाउट है मैसेज करके पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।